हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं स्टोरी माफियाज हार्टबीट। अब आगे बेडरूम में तो आओ, हर चीज़ जान जाओगे मिसेस राठौर। कुछ टाइम बाद राठौर मेंशन के आगे सभी कार्स एक बड़े से मेंशन के आगे आकर रुकी। सभी अपनी कार से उतरकर खड़े हो गए। पूरे मेंशन में बहुत सारे गार्ड हाथों में हाईटेक वेपन्स लिए खड़े थे। मिनी अभी तक सो रही थी और सभी जेके को छोड़ ही नहीं रही थी, इसलिए जेके ने उसे अपनी बाहों में उठा रखा था। शिवांगी और आरवी ने जैसे उस मेंशन को देखा तो वो जाना पहचाना लगा, ऐसा कि जिसने उनकी फीलिंग्स जुड़े हो। घर के मेड्स हाथों में फूल से भरी थालाएं लिए तीनों बहनों के स्वागत कर रहे थे। जयदेव जी शांत आवाज में, बहुत देर हो गई है, अब घर के अंदर चलना चाहिए। सौम्या जी अंदर से आते हुए, रुकिए आप सभी। फिर उन्होंने अपनी सबसे पुरानी मेड बूजी के आवाज़ लगाई, बूजी सामान लेकर आना। कुछ ही देर में सभी मेड्स ने आकर दरवाजे पर तीन चावल भरे कलश और तीनों आलते की थालियां रख दी। सबसे पहले सौम्या जी ने सभी की आरती उतारी। उसके बाद घर की बड़ी बहू होने की वजह से आदित्य और आरवी का घर के अंदर प्रवेश सबसे पहले करवाया गया। आरवी ने पहले अपने पैर उस चावल भरे कलश को गिराया, फिर उस आलते की थाल पे अपने पैर रख कर घर के अंदर आई। आरवी के बाद शिवांगी ने यही सब किया और घर के अंदर आई। अब बारी थी मिनी और जियांश की। मिनी बड़े चैन से जेके की बाहों में सो रही थी। वहाँ खड़ा हर इंसान मिनी को बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहा था, वो लग ही इतनी एडोरेबल थी। जियांश ने थोड़ा इरिटेट होते हुए अपनी मॉम की तरफ देखा तो सौम्या जी मुस्कुराते हुए आई। सबसे पहले तो उन्होंने मिनी के सर पे प्यार से किस किया, फिर जेके को थोड़े नीचे बैठकर मिनी के पैरों को अपने हाथ से पकड़कर कलश को धक्का लगवाया। इसी तरह जेके मिनी के गोद में उठाए हुए अपने पैरों पर बैठे था और सौम्या जी मिनी के पैर को अलता में रख कर उसके पैर का छाप ज़मीन पर लगवाई। शिवांगी और आरवी अपनी बहन मिनी को यूँ प्यार पाता देखकर बहुत इमोशनल हो रही थी। जयदेव जी सौम्या जी को प्यार से देखकर, सोहा क्या अब हो गया है तुम्हारी ये सारी रस्म, मेरी बेटियाँ थकी हुई है, उन्हें आराम करना है। सौम्या जी स्माइल करते हुए, वैसे तो सारी हो गई है, बस एक बची है जो दीदी अपनी बुआओं के आने पर करना चाहती थी, जो दीदी अपनी बहुओं के आने पर करना चाहती थी। अपनी पहली पत्नी की इच्छा तो जयदेव जी हर हाल में पूरा करना चाहते थे। सौम्या जी के इशारा करने पर फूलों से भरी थाल लिए खड़ी मेड्स ने उनके पास आ गए। सौम्या जी अपने बच्चों की तरफ देखकर स्माइल करते हुए, दीदी हमेशा से चाहती थी कि जब उनके बच्चों की शादी होकर घर में आए तो उनकी नए जीवन की शुरुआत इसी तरह कुछ वादे लेकर हो, इसीलिए आदि विराट अब तुम दोनों शिवी और आड़ू का हाथ पकड़ लो। विराट और आदित्य ने अपनी मॉम की बोलने पर अपनी अपनी बीवियों के हाथ पकड़ लिया। मिनी तो पहले ही जेके के गोद में ही थी। सौम्या जी शिवी के पैरों के सामने फूल डालते हुए, अब तुम दोनों मेरे पीछे पीछे रिपीट करना, जिस तरह से सूरज से उसकी रोशनी, नदी से उसका पानी। विराट ने शिवी के हाथों को प्यार से सहला कर बहुत ही प्यार भरी नज़रों से उसे देख कर रिपीट किया, जिस तरह से सूरज से उसकी रोशनी, नदी से उसका पानी। सौम्या जी आगे बोलती है, वैसे ही। पर इससे आगे वो कुछ बोल पाती, शिवांगी ने आगे की बात खुद ही पूरी कर दी, उसी तरह से मैं और तुम भी एक दूसरे के साथ रहेंगे हमेशा के लिए। उसने ये सभी बातें विराट की उसी नज़रों से देखकर कहा जैसे वो उसे देख रहा था। सभी लोग विराट को देखकर स्माइल कर रहे थे क्योंकि आज पहली बार विराट स्माइल कर रहा था। ऐसा नहीं था कि विराट कभी स्माइल नहीं करता था, पर वो स्माइल सिर्फ अपनी मॉम या फिर अपनी शरारती बहन के लिए ही करता था। आज पहली बार उसकी स्माइल की वजह कोई और थी जो अब से उसकी ज़िंदगी बनने जा रही थी। विराट की पकड़ शिवांगी के हाथों पर कस गई। उसने अपने कदम उसी की ओर बढ़ाए और अगले ही पल शिवांगी विराट के बाहों में थी। विराट उन फूलों को देखकर जिन पर शिवांगी ने पैर रखे थे, ये फूल बहुत लकी है कि तुम्हारे पैरों ने उन्हें छुआ, पर मुझे अपना लक किसी के साथ भी शेयर करना नहीं है,
फिर चाहे वो कोई चीज़ ही क्यों ना हो। इतना बोलकर शिवांगी के कान के पास आकर अपनी डार्क आवाज़ में धीरे से बोला, बिकॉज आई हेट शेयरिंग। इतना बोलकर वो शिवांगी को अपनी बाहों में उठाए हॉल के अंदर आया। रावी खुशी से उछलते हुए, ओ मेरा भाई कितना रोमांटिक है। खिच्चू भी सेम एक्सप्रेशन के साथ, दीदी हमें आज की डेट कैलेंडर में मार्क कर देना चाहिए। सौम्या जी अपना गला साफ करके आदि और आड़ू की तरफ देखकर, अब तुम दोनों की बारी। एडी अपनी नॉर्मल आवाज़ में, मॉम क्या हम हमारी वाओ खुद ले सकते हैं? उसने आरवी की तरह स्मार्क करके ये बात बोली थी, जिस पर आरवी ने अपनी आंखें रोल कर ली सौम्या जी स्माइल करने के साथ, हाँ बेटा क्यों नहीं। इतना बोलकर उन्होंने आरवी के पैरों के सामने एक फूल बिखरना शुरू कर दिए। आदित्य ने आरवी के हाथ पकड़कर उसे अपने नज़दीक खींचा, तुम हमेशा के लिए मुझसे बन चुकी हो मेरी बटरफ्लाई, मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। आरवी आदि को धक्का देते हुए, देखते हैं कौन किससे बन चुका है। आई डू एंड डोंट वरी मिस्टर राठौर, मैं खुद भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक कि तुम्हें हेल ना पहुंचा दूं। एडी किलर स्माइल के साथ, तुम डेविल किंग को ही हेल दिखाना चाहती हो। आरवी स्मार्क करते हुए, तुमने अभी तक जो हेल देखा है वो तुमने खुद बनाया है, तुमने अभी तक उस हेल को नहीं देखा है जो मैंने क्रिएट किया है, एंड ट्रस्ट मी तुम वो हेल कभी भी नहीं देखना चाहोगे जो मैंने बनाया है। एडी डार्क आवाज़ में, कौन चाहता है मैं देख, कौन कहता है मैं नहीं देखना चाहता। इतना बोलकर उसने आरवी को फिर से अपने नज़दीक खींचा, जिससे वो सीधा जाकर उसके हार्ट से चेस्ट से टकराई। मैं तो उस हेल को देखने के लिए मरा जा रहा हूँ जो मेरी बटरफ्लाई ने बनाए हैं। आदि ने अपने लिप्स आरवी के कान के पास ले जाकर वहाँ जल्दी से लिख किया और पीछे हट गया। सी यू एंड माई हेल बटरफ्लाई। इतना बोलकर आदित्य घर के अंदर की तरफ गया, आरवी जोर से चिल्लाते हुए, तुम अभी तक मुझे जानते नहीं हो मिस्टर राठौर। आदि बहुत ही शांत आवाज़ में घर के अंदर जाते हुए, बेडरूम के अंदर तो आओ, मैं तुम्हारे बारे में हर चीज़ जान जाऊँगा मिस्टर राठौर। आरवी गुस्से से, एक पर्वट हमेशा पर्वट ही रहता है। इतना बोलने के बाद आरवी की आंखें बाकी लोगों पर गई जो इतने देर से मुंह फाड़े उन दोनों की बातें सुन रहे थे। उसकी आंखें बड़ी हो गई और शर्म से उसके गाल लाल हो गए। यूवी जबरदस्ती दांत दिखाते हुए, आरवी भाई का रूम सेकंड फ्लोर पर है। सौम्या जी यूवी के सर पर चपत मंगाते हुए, पागल लड़के हारू बेटा तुम बहुत थक गई होगी, अंदर जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लगेज तुम्हारे रूम में पहुंचा दूंगी। यूवी जाओ आरू को हेल्प करो। आरवी ने आगे कुछ नहीं कहा और जल्दी से वहां से यूवी के साथ चली गई। रावी जियांग्श के हाथ पर मारते हुए, यू स्टूपिड सिनू, हाथ हटो, हाथ हटा तेरे मेरी आंखों पर से। किच्चू भी वाइन विन करते हुए, भाई आपने मुझे भी कुछ देखने नहीं दिया। जियांग्स अपना गला साफ करते हुए, तुम दोनों अभी ये सब देखने के लिए एलिजिबल नहीं हो। जेके मिनी को अपने रूम में सुलाकर हॉल में वापस आ गया था और उसने अपने भाइयों के इन हरकतों को देखकर रावी और किच्चू की आंखों पर अपने हाथ रख दिया था। रावी जियांग्स को घूरते हुए, यू स्टूपिड सिनू, मैं बड़ी हूँ तुमसे। सौम्या जी सबको शांत करवाते हुए, ओके 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 अभी के लिए बहुत हुआ, किच्चू तुम जाओ अपने रूम में आराम करो और विराट तुम भी शिवांगी को अपने रूम में लेकर जाओ। जियांग्श अंगड़ाई लेते हुए, मॉम मैं भी अपने रूम में जा रहा हूँ सौम्या जी। फिर उन्होंने जेके के फेस पर किस किया, जाओ जाकर आराम करो। राबी अपने डैड के पास जाकर उनसे किसी लंगूर की तरह चिपक गई, डाडा। जयदेव जी प्यार से, मेरी बेबी थक गई। रावी धीरे से, जयदेव जी रावी के बालों को सहलाते हुए, बेटा तो अब अपने रूम में जाकर आराम करो। रावी पाउट करते हुए, डैड मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। जयदेव जी वरिड होते हुए, बेबी क्या तुम ठीक हो? इतना बोलकर जयदेव जी ने हग ब्रेक करके रावी के सामने अपने घुटनों पर बैठ गए, दिखाओ मुझे कहाँ लगी है प्रिंसेस।
रावी की उठी। नहीं नहीं दादा, मुझे कहीं नहीं लगी है, वो तो मैं इतनी देर तक ना खड़ी रही ना, इसलिए मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। जयदेव जी खड़े होते हुए, ठीक है मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। सौम्या जी वरीड होते हुए, जय आपके कमर में दर्द हो जाएगा। जयदेव जी शांत आवाज में, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं इतने से दर्द से डील कर सकता हूँ। रावी अपने डैड को देखकर, डैड इट्स ओके, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने रूम में जाकर पेन किलर ले लूँगी, दर्द ठीक हो जाएगा। जयदेव जी थोड़ी तेज़ आवाज़ में, नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल भी चलने नहीं दूंगा। इतना बोलकर उन्होंने रियान की तरफ देखा जो कि कोने में खड़ा था। रियान झुककर, यस सर। जयदेव जी ऑर्डर देते हुए, मेरी सनशाइन को उसके कमरे तक लेकर आओ। रियान स्ट्रेट फेस के साथ, यस सर। इतना बोलकर वो रावी के पास गया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। मैम मुझे ढंग से होल्ड करना। रावी ब्लश करते हुए, डोंट वरी, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली, कम से कम इस ज़िंदगी में तो बिल्कुल नहीं। रावी धीरे से बुदबुदाई, मगर रियान ने ये सब सुन लिया था। जयदेव जी शांत आवाज़ में, मेरी प्रिंसेस मेडिसिन लेना मत भूलना। रावी स्माइल करते हुए, नहीं भूलूंगी डैड, आई लव यू माई डैडा। जयदेव जी सॉफ्टली स्माइल करते हुए, लव यू टू माई प्रिंसेस। सौम्या जी जयदेव जी को देखकर, कौन कहेगा कि ये आप वही कोल्ड डेंजरस माफिया किंग हो जो किसी को मारने से पहले एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते था। जयदेव जी अपना सिर हिलाते हुए, तुम सही कह रही हो, जो डेंजरस कोल्ड माफिया किंग किसी को मारने से पहले एक सेकंड के लिए भी नहीं सोच रहा था, वो एक्चुअली में अपने बच्चों के सामने बहुत वीक है। सौम्या जी स्माइल करते हुए, बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर राठौर, अब आप ससुर बन चुके हो। जयदेव जी स्माइल करके सौम्या जी को अपनी बाहों में भरते हुए, सेम टू यू मिसेस राठौर, तुम भी अब सासू माँ बन गई हो। सौम्या जी अपने सिर जयदेव के शोल्डर पर रखते हुए, क्या आपको यकीन हो रहा है कि हमारी शिवी आरू और मिनी अब हमारी बहुएं बन चुकी हैं। जयदेव जी स्माइल करते हुए, मैं बहुत खुश हूँ, हमने हमारा वादा पूरा किया। सौम्या जी धीमी आवाज़ में, मैं तो अब भगवान से यही दुआ करती हूँ कि सब ठीक रहे। जयदेव जी सौम्या जी के सर पर किस करते हुए, डोंट वरी, हम दोनों ने हमारे बच्चे के साथ है। मिनी और जयांश के बेडरूम में, जेके जैसे ही अपने रूम में एंटर हुआ तो अपने रूम की हालत देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गया। आखिर ऐसा क्या देख लिया था जयांश ने, जानने के लिए सुनते रहिए। थैंक यू।